दिव्यांगों को मिलेगी मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल। गाजियाबाद दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन कल्याण विभाग की तरफ से मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दी जाएंगी, जिसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी ने बताया कि जो पैरों से दिव्यांग है या जिनकी 80% दिव्यांग का UDID कार्ड है, तो उनको निःशुल्क ट्राईसाइकिल दी जाएंगी, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू है। इच्छुक व्यक्ति 31 जुलाई तक सुबह 10 से 5 बजे तक 01202822998 नंबर पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। धन्यवाद। परिजनों को ये मालूम नहीं है कि उनके उनका बेटा सुन सकता है। आखिर कौन है इस घोटाला का किरदार और जिम्मेदार, इस सवाल के जवाब मिलेंगे इस पड़ताल में। 973 कुल पदों में से दिव्यांगों के लिए 405 यानी कि 6% पद आरक्षित थे। श्रवण बाधित, बहरे और कम सुनने वालों के लिए 2% 135 पद, लोकोमीटर डिसेबिलिटी LMD जिसमें सेलेबर पालसी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिफॉल्टी के लिए 2%, 135 पद, एंटिनजम बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता श्रेणी के लिए 2%, 135 पद। धन्यवाद। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी उदयन जैन, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय सहानपुर, शिकायत पत्र विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम कर्मचारी कंडक्टर अनिकेत महोदय, आपको अवगत किया गया करना था कि उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के कर्मचारी कंडक्टर अनिकेत के द्वारा दिनांक 22/7/2023 को सुबह करीब 8:30 से सहानपुर से शाकुंभरी कॉलेज शेरपुर छटुलमर गाड़ी नंबर UP 1180-0552 से यात्रा कर रहे दिव्यांग विद्यार्थी BED के साथ कॉलेज पर गाड़ी रुकाने को लेकर मारपीट, गाली गलौज व जाति सूचक शब्द चमार गिट्टल कहकर दिव्यांग विद्यार्थी के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया और अपमानित किया और प्रार्थी के ड्रेस भी फाड़ दिए और धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिसे पीड़ित हताश हो गया और इस कारण पीड़ित छात्र दुखी रहा, जिससे उसकी परीक्षा भी अच्छी नहीं हुई। यह कि दिनांक 25/7/2023 को दिव्यांग छात्र दोबारा परीक्षा देकर दोपहर समय 2:40 के वर्कशॉप सहानपुर अपने साथ किए गए व्यवहार का कारण जानने के लिए उच्च अधिकारियों के से मिला और अपनी बात बीती सुनाई, तो अनिकेत कंडक्टर वहां पर भी अपनी अकड़ दिखाई और बोला, तुझसे जो होता हो कर ले, और पीड़ित व्यक्ति से झगड़ने लगा। महोदय, बस कंडक्टर अनिकेत के द्वारा किए गए इस प्रकार के व्यवहार से प्रार्थी के मानसिक आघात पहुंचा है। अंततः आपसे निवेदन है कि दोषी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के करके पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने में कृपा करें। धन्यवाद। नमस्कार। जिन थेरेपी का कमाल देखने लगा दृष्टिहीन किशोर। अमेरिका में जिन थेरेपी ने एक किशोर के जीवन को रोशन कर दिया। 14 वर्षीय एंटोलिना को जन्म से ही दुर्लभ बीमारी डिस्ट्रोफिक एपिमोलाइसिस कुलोसी थी। इसे पूरे शरीर पर फफोले हो गए और आंखों की रोशनी चली गई। पिछले वर्ष वह क्लिनिकल ट्रायल के हिस्सा बना, जिसमें पहली बार टॉपिकल जीन थेरेपी का परीक्षण किया गया। इस
इससे उसके फोफोलो ठीक हो गए। इलाज कर रहे डॉक्टर अल्फोंसो साबेटर को विचार आया कि क्यों न दवा के बदलाव कर आँखों पर प्रयोग किया जाए। पहले चूहों पर परीक्षण एंटोनिमिया का प्रयोग से पहले डॉक्टर ने 2 साल तक चूहों पर इसका परीक्षण किया। हालांकि यह दवा अभी इंसानों के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन डॉक्टर साबाटोर और उनकी टीम ने किशोर एंटोनिया पर इस्तेमाल के लिए अमेरिका के नियामक FDA से दवा के विशेष इजाज़त ली थी। धन्यवाद। नमस्कार। टीम ने 15 दिव्यांग शिक्षकों से लिए मूल प्रमाण पत्र FIR के बाद भी जांच कराने आई ललिता। दिव्यांग कोटे से शिक्षक बने 22 शिक्षक से 16 मंगलवार शिक्षकों से 16 मंगलवार को दिव्यांग प्रमाण पत्र की जांच कराने के लिए कलेक्टर की जांच टीम के समक्ष उपस्थित हुआ। 16 में से उमेश शुक्ला दिव्यांग प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लेकर आए, जिसे अमान्य कर दिया। FIR में आरोपी बनी शिक्षिका ललिता मीना ने दिव्यांग प्रमाण पत्र की फिर से जांच के लिए संयुक्त कलेक्टर राजन नाड़िया ने आश्वस्त किया है। दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर मुरौना जिला के 22 शिक्षक नौकरी कर रहे हैं। कई प्राथमिक शिक्षक बन गए तो कई माध्यमिक शिक्षक और किसी ने उच्च माध्यमिक शिक्षक का ओहदा पाया है। दिव्यांग प्रमाण पत्रों की जांच करने के CPI के आदेश के तत्काल याद सवलगढ़ ब्लॉक के रूपा का तोर प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका बिंदेश प्रेत सिंह रावत ने फर्जी विकलांगता पकड़ने जाने के भय से पछते इस्तीफा दिया था। इधर सबलगढ़ ब्लॉक के टेंटरा थाना क्षेत्र के मुढ़ेवा प्राइमरी स्कूल में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक विकास सिंह रावत पुत्र लज्जा राम रावत ने भी पद से इस्तीफा दे दिया। दोनों ही शिक्षकों के दिव्यांग प्रमाण पत्र ग्वालियर से बनाए गए थे, जिनमें कान व आँख की दिव्यांगता दर्शाई गई थी। ये दोनों मंगलवार को जांच समिति के सक्षम उपस्थित नहीं हुए। 3 शिक्षक को जिला शिक्षा अधिकारी के पाठक ने, 1 शिक्षक को संयुक्त संचालक दीपक पांडे ने सेवा से बर्खास्त कर दिया। इस प्रकार सेवा समाप्ति के कारण 4 शिक्षक अपनी दिव्यांगता का जांच कराने मुरैना उपस्थित न हुए। इस प्रकार 22 शिक्षक में से 6 शिक्षक शिक्षिकाएं जांच टीम के सामने नहीं आए और 16 अपने दिव्यांग प्रमाण पत्र के साथ कलेक्टर के कक्ष क्रमांक 107 में जांच समिति के सामने पेश हुए। 16 में से 15 शिक्षक ने अपनी दिव्यांगता का मूल दस्तावेज जांच समिति को दिखाए। समिति ने मूल दस्तावेज को अपने पास जांच के लिए रख लिया है। बरेड में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक उमेश शुक्ला ने अपने साथ दिव्यांग पत्र प्रमाण पत्र की फोटो लेकर आए, जिसे अमान्य कर दिया। उमेश शुक्ला का दिव्यांग प्रमाण पत्र ग्वालियर से बना है, लेकिन सिविल सर्जन मुरार के उसके दिव्यांग प्रमाण पत्र के ग्वालियर से जारी होने का नहीं बताया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया उमेश शुक्ला को अपात्र माना जा रहा है, लेकिन जांच टीम ने 1 सदस्य ने उमेश शुक्ला के दिव्यांग प्रमाण पत्र को चेक कर दिया तो पाया कि वह स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल पर दर्ज है। इस आधार पर उमेश शुक्ला को सलाह दी गई कि वह सिविल सर्जन ग्वालियर से संपर्क कर उन्हें पोर्टल पर दिव्यांग प्रमाण पत्र दर्ज होने की बात बताए और अपनी टीम लेकर जांच समिति के समक्ष जल्द पेश करे। धन्यवाद।